हेलो फ्रेंड्स, रेज टू हेल्प में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने मॉडम को BSNL ब्रॉडबैंड के लिए सेटअप करना है। आप किसी भी मॉडम में सेटअप कर सकते हैं, बस ध्यान रखें कि आपके मॉडम में DSL पोर्ट ज़रूर होना चाहिए। अगर आप भी BSNL ब्रॉडबैंड के लिए मॉडम खरीदना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं, आप उन पर जाके उसको परचेज़ कर सकते हैं। मेरे पास D-Link का ADSL मॉडम है, आप कोई भी मॉडम यूज़ कर सकते हैं जिसमें DSL पोर्ट हो। अभी मैंने मॉडम के एक नंबर पोर्ट पे RJ45 केबल को कनेक्ट किया है और इसका दूसरा एंड मैंने लैपटॉप में कनेक्ट कर दिया है, इसीलिए मॉडम का एक नंबर ग्रीन ग्लो कर रहा है, साथ में इसका पावर ग्लो कर रहा है और तीसरा इसका वाईफाई का इंडिकेशन ग्लो कर रहा है। D-Link का ही मॉडम ऐसा है जिसमें वाईफाई पहले से ही इनेबल रहता है, बाकी वाले मॉडम्स में इसको लैपटॉप में कनेक्ट करने के बाद वाईफाई इनेबल होता है, इसीलिए D-Link के मॉडम को आप अपने मोबाइल से भी सेटअप कर सकते हैं इसको वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद में। मॉडम को सेटअप करने से पहले हम BSNL की ब्रॉडबैंड लाइन को मॉडम के DSL पोर्ट में कनेक्ट करेंगे। अब देखिए एक इंडिकेशंस एक्स्ट्रा आने लगा इसमें, ये देखिए ये वाला इंडिकेशन जो है ये ब्लिंक कर रहा है और अभी थोड़ी देर बाद ये स्टैटिक हो जाएगा। ये देखिए अभी ब्लिंक कर रहा है, थोड़ी देर में ये देखिए स्टैटिक हो गया है। अभी ये स्टैटिक हो गया है लेकिन इसके साथ में ही जो इंटरनेट का एक और कनेक्शन है ये अभी कुछ भी ग्लो नहीं कर रहा है। तो अभी हम मॉडम को सेटअप करेंगे BSNL ब्रॉडबैंड के लिए तो ये वाला लिंक भी ग्रीन हो जाएगा। अगर आपका मॉडम पहले से किसी और कंपनी के ब्रॉडबैंड के लिए सेटअप है तो इसको रीसेट करना पड़ेगा, इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में लाना पड़ेगा। उसके लिए मॉडम के नीचे ये जो रीसेट बटन दिया हुआ है इसको आपको 10 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखना है किसी पिन के साथ में, तो आपका मॉडम जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में चला जाएगा, मतलब फैक्ट्री सेटिंग्स में चला जाएगा। चलिए अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी ब्राउज़र खोलना है और उसमें हमें टाइप करना है ऊपर URL में 192.168.1.1 जो कि इसका डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है मॉडम का। अगर आपका मॉडम कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो रहा है तो मैंने एंड स्क्रीन में एक वीडियो दे रखी है, आप उसको देख लीजिए। जैसे ही हम IP एड्रेस डालकर एंटर करेंगे तो ये हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड है एडमिन और पासवर्ड भी है एडमिन। तो जैसे ही हम एडमिन डाल के इसको ओके करेंगे तो ये विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ पर हम सेटअप विज़र्ड पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो आ जाएगी और यहाँ पे हम फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम स्किप पर क्लिक करेंगे। स्किप पे क्लिक करने के बाद में इस विंडो में हमें टाइम जोन सेलेक्ट करना है। अभी हम इंडिया में हैं तो हम 5+30 आवर्स वाला टाइम जोन सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए जो कि है चेन्नई कोलकाता वाला। इसके बाद में हमें यहाँ पे लोकल टाइम ही रहने देना है, डेलाइट में लोकल टाइम ही रहने देंगे और यहाँ पे हम सेम यही रहने देंगे कॉपी कंप्यूटर टाइम। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे अभी हमें कंट्री अपनी सेलेक्ट करनी है, हमारी कंट्री इंडिया है तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में हमारा BSNL है तो BSNL PPPoE हमें सेलेक्ट करना है। नीचे में हमें कनेक्शन टाइप LLC रहेगा, VPI 0 रहेगा, VCI 35 रहेगा। उसके बाद में हमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है जो कि हमें BSNL प्रोवाइड करेगा, वही हमें यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे डालना है। और पासवर्ड डालने के बाद हमें नीचे एक बार फिर से उसको कंफर्म करना है, एक बार फिर से नीचे में वो वाला पासवर्ड डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर ये विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क नेम SSID, यहाँ पे आपको वो नाम लिखना है जो कि आप अपने वाईफाई का नाम रखना चाहते हैं। आप कुछ भी अपने वाईफाई का नाम रख सकते हैं, जो भी आप अपने वाईफाई का नाम रखना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे लिख दें। उसके बाद विजिबल स्टेटस को विजिबल रखें, आप इनविजिबल भी रख सकते हैं लेकिन मैं विजिबल रख रहा हूँ। उसके बाद में सिक्योरिटी लेवल को आप रखें WPA PSK, इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप नीचे आ जाइए। यहाँ पे की में आपको अपने वाईफाई का पासवर्ड लिखना है, जो भी आप अपने वाईफाई का पासवर्ड रखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अभी नेक्स्ट विंडो पे आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव करने के बाद में आपकी ये विंडो खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपको करंट स्टेटस दिखा रहा है आपके मॉडम का। तो दोस्तों अभी हमारा मॉडम जो है वो सेटअप हो चुका है। अगर आप भी ऐसा ही एक मॉडम अपने BSNL ब्रॉडबैंड के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इसको ऑफर प्राइस में परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम अपने मॉडम को देखते हैं उसमें और क्या नया इंडिकेशन आया है।
दोस्तों अब आप यहां लास्ट में देख सकते हैं जो इंटरनेट कनेक्शन की एलईडी ग्लो कर रही है, बिल्कुल ग्रीन ग्लो कर रही है, मतलब आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अब इसमें एनेबल हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा ही मॉडम अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए खरीदना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसको ऑफर प्राइस में परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।